गाइस ये लड़का है ना पानी डालने के जा रहा है इनको। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों नहा के एकदम तैयार हो चुके हैं, अभी है ना 8:15 हुए गाइस, और चाय वाय तो पी चुका हूँ। वैसे तो वीडियो अभी अपलोड हुआ है, रात के 1 बजे वीडियो अपलोड किया था, तो सुबह के 7 बजे वीडियो अपलोड हुआ है। पता नहीं रात में, पता नहीं नेट का क्या हुआ, बहुत धीरे चल रहा था, तो अभी 7 बजे अपलोड हुआ सुबह के। तो यह वीडियो है ना 12 बजे पब्लिक होगा। तो अभी भी इसके अंदर है ना बहुत सारा काम बाकी है, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह ऐसा कुछ, और मतलब बहुत सारा काम बाकी है इसमें। पहले मैं सोचता था कि बहुत ही आसानी से वीडियो बन जाएंगे, बहुत ही आसानी से लोग बन जाएंगे और अपलोड हो जाएंगे बस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है एक व्लॉगर को, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, दिन भर उसी के बारे में मतलब सोचना पड़ता है कि कौन सा वीडियो बनाऊं, कैसा वीडियो बनाऊं, टाइटल कौन सा लेना चाहिए, साथ ही दुकान को भी चलाना, दुकान के इर्द गिर्द वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है गाइस। अब ऐसा तो नहीं है सुबह उठे, मोबाइल उठाया, वीडियो बना लिया, फिर कहीं घूमने चले गए, फिर घर आए, फिर खाना वाना खा लिया, फिर कहीं घूमने चले गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है गाइस। मेरे को क्या करना पड़ता है कि जो मेरी दुकान है उसके इर्द गिर्द वीडियो बनाना पड़ते हैं, और दुकान के इर्द गिर्द दुकान को साथ में लेते हुए मैंने कम से कम 150 वीडियो बनाए हैं गाइस, 150 व्लॉग बनाए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, दुकान चलाते हुए व्लॉग शूट करना और उसके साथ साथ उसका टाइटल दिमाग में लाना, ये बड़ा टेंशन वाला काम है। तो गाइस आज भी मैं क्या कर रहा हूँ कि रोज़ की तरह, आप सभी को पता है आज हमारे यहाँ का बाज़ार है, आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन हमारे यहाँ हाट बाज़ार पड़ता है, तो हाट बाज़ार के दिन तो दुकान पे बिल्कुल जाना ही पड़ता है क्योंकि थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ गाइस की चाबी वाबी लेता हूँ और दुकान में जाता हूँ, दुकान खुलता हूँ, थोड़ा बहुत काम वाम करते हैं, उसके साथ में व्लॉग भी शूट करना है, टाइटल भी ढूंढना है, तो बड़ा पेचीदा काम होता है गाइस। तो दोस्तों आप भी अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो बिल्कुल दिमाग को चौकन्ना रखना पड़ेगा और मेहनत फुल करना पड़ेगी, दिल के साथ, दिल से करना पड़ेगी और निडर होकर करना पड़ेगी। लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग मजाक बनाएंगे, लोग तो लोग दूसरे अपने जो रिश्तेदार हैं ना उसमें से भी बहुत से लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। तो गाइस इन सबको इग्नोर करना है, इन सब पर ध्यान नहीं देना है और मेहनत करना है, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ गाइस। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं और निकलते हैं दुकान के लिए। ये मकान बना था ना, थोड़ी सी गिट्टी बच गई थी, ये मकान की थोड़ी सी गिट्टी बच गई थी, तो मेरे काम में जाती, मैं यहाँ बैठे रहता हूँ या फिर छत पे चले जाता हूँ, तो छत पे अभी धूप आ चुकी ज़्यादा, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ बैठ के वीडियो एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो अच्छा लगता है मेरे को, ठंडी हवाएँ चला करती है यहाँ पर। दुकान तो खोल चुके हैं और सुबह सुबह लोग हैं ना अपने काम धंधों के लिए निकल रहे हैं, कोई ठेला लेके जा रहा है, कोई साइकिल लेके जा रहा है, कोई बाइक लेके जा रहा है। तो मतलब ये ज़िंदगी है गांव के लोगों की, मतलब इस तरीके से, मतलब गांव भी हो और सिटी भी हो, लोगों को अपने सुबह सुबह अपने काम धंधों के लिए जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, दिन भर जो भी मतलब काम करते हैं, फिर घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं, बच्चों के साथ थोड़ी ऐसी मजाक करते हैं, सुबह सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, मतलब ये ज़िंदगी हमारे यहाँ के लोगों की। तो देखिए आप सब देख सकते हो कि ये भाई साहब ना डब्बा लेके जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, शायद तेल में लेने के लिए जा रहे हैं, फिर भी लोग कुछ ना कुछ काम की तैयारी कर ही रहे हैं, कुछ लोग है ना बस का वेट कर रहे हैं कि बस आएगी तो वो कहीं बाहर जाएंगे या शादी में जाएंगे या मेहमान जाएंगे। तो ये इस तरीके से मतलब ज़िंदगी कट रही है लोगों की, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसा देख के। बस हवाएँ चल रही है, देखो मेरे जो टायर है ना, जो पन्नी वन्नी जो लगी है ना वो उड़ रही है। क्या है, भूख लगी थी इसलिए भोजन खाने के लिए आया हूँ। और एक कर्मचारी है ना होटल में काम करते हैं, क्योंकि अभी ना फिलहाल खाना खा रहे हैं।
हाँ भाई भैया क्या है खाने में? खाने में देखो गाइस ये है चटनी रोटी, चटनी है नहीं और ये रोटी है। तो भाई साहब यहाँ पर काम करते हैं, हाँ है ना। हाँ टुकड़ा नहा धो के तैयार हो गए आज तो आएंगे। शाम को जाएंगे डोगरी देखने आएंगे। शाम को जाएंगे फिर हाँ शाम को जाएंगे। शाम को है ना, शाम को जाएंगे देखने। नहीं नहीं शाम को जाएंगे देखने ने? खिले जब ये पीला रूप सुनहरा, दो चांद बने जब ये बना चांद बनेरा। तो भाई शाम हो चुकी है और अभी एक काम बाकी है मेरा। मैं जा रहा हूँ खरगोन न्यू मोबाइल लेने के लिए। और दोस्तों ये मोबाइल ले रहा हूँ मैं किस्त में 10,000 रुपये जमा करके मेरे भाई के नाम से, क्योंकि मेरे भाई का है ना बजाज फाइनेंस का कार्ड बना हुआ है। तो मेरे भाई के नाम से मोबाइल उठा रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये जमा करूँगा। और 25,000 का मोबाइल है लेकिन वो ब्याज समय 27,000 का पड़ेगा मेरे को, टोटल 27,000 का पड़ेगा। तो 10,000 तो जमा कर दूँगा मैं, 17,000 रुपये बाकी रह जाएंगे जो कि मैं किस्त पर दूँगा। शायद 2500 रुपये महीने की किस्त बनेगी। तो गाइस 2,000 रुपये मेरे को ब्याज लगेगा एक्स्ट्रा। तो फटाफट जाता हूँ और मोबाइल लेके आता हूँ। बहुत मोबाइल है, ये जो मेरा मोबाइल है ना नार्जो 20 11,000 रुपये का है, लेकिन ये मोबाइल को 1.5 साल हो चुके हैं, हैंग होने लग गया है और इसकी बैटरी भी कम चल रही है। तो मैं किस्त मोबाइल लेके आ जाता हूँ। Xiaomi 11i MI का मोबाइल है ये। तो लोग बोल रहे हैं कि ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए ये वाला मोबाइल लेके आता हूँ। मैं सर्च भी किया यूट्यूब में तो ये मोबाइल मेरे को अच्छा लगा है। तो फटाफट निकलता हूँ घर, फ्रेश फ्रेश होता हूँ और खरगोन के निकलता हूँ। तो गाइस अभी है ना बच्चे क्या कर रहे पता है आपको? आम खा रहे। देखो गुटली खा रही है। साहिबा गुटली खा रही है। मैं अभी तक चबा नहीं पाया। और सनाया भी खा रही है। कैसा लग रहा सनाया? अच्छा लग रहा। तो गाइस आज बाजार था ना तो मैं सब्जी वगैरह लेके आया था। ये देखो आलू है और ये है करेले, टमाटर है और गाइस ये मिर्ची वगैरह सब लेके आया था। तो ठीक है गाइस अभी है ना मैं निकलता हूँ फटाफट खरगोन के लिए। गाइस दो सांडों की लड़ाई हो रही है, लोग तमाशा देख रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है। एक काम करते हैं कि हम भी पास जाके देखते हैं। गाइस इनकी लड़ाई है ना ख़त्म ही नहीं हो रही, अभी तक लड़ाई है ना चली रही है इनकी और लोग है ना देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा लोगों को। गाइस बहुत मज़ा आ रहा लोगों को, दो सांडों की लड़ाई हो रही है और बहुत से लोग अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इनकी लड़ाई छुड़वा दे। वो कहते हैं ना दो सांडों की लड़ाई में बाघर का नुकसान हो जाता है, इसीलिए कोई पास में नहीं जा रहा है। तो गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है।
ये लड़का है ना पानी डालने के जा रहा है इनको। रुपए को भी बजा हट जा रे बेटा। तुम बेटा बच्चा अरे पानी का है क्या इनका भाजी ला भाजी प्लाट वापस ही आओगे था। ओ मशीन ले आ पुट्टा पर मशीन देख दे देख ले जा। अरे इतनी दूर से डाल रहा हूँ कि हाँ तो पाँच मिनट ना भाजी ना डाल पाँच मिनट मुंडा डाल मुंडा मुंडा डाल मुंड पर चलो रुको चलो चलो अपन लेट हो रहे हटा गुड बाय गया। ये भाई साहब ने मोबाइल बुलवाया है लेकिन आज ना मोबाइल नहीं आया है। भाई साहब बोल रहे हैं कि कल आएगा। क्यों कल आ जाएगा इनका मोबाइल और कल इनको 10 से 12 बजे तक मोबाइल मिल जाएगा। वैसे हम शाम को आएंगे कल क्या कोई दिक्कत नहीं शाम को आ जाना शाम को ले जाना अपने ठीक है ओके। तो गाइस ये है खरगोन की दाल बाटी। अब यह ना हम फटाफट खाना खा लेते हैं। गाइस खाना खा लिया है अब यह ना हम आपको घर पे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस घर आ चुके हैं और इस वीडियो का एंड कर देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आते रहे।